जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम नियामक ज्यामिति में एक नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि है समबाहु त्रिभुज पे आधारित। प्रश्न क्या है जरा सा देख लीजिए। प्रश्न पहले क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक कॉमा रूट तीन, एक कॉमा तीन रूट तीन और चार कॉमा दो रूट तीन समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले वो फैक्ट मैं आपको याद दिला दूं कि समबाहु त्रिभुज के लिए रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी जितनी दूरी ए बी की होगी उतनी ही बी सी होगी उतनी ही ए सी होगी, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। मतलब ये कि ये तीन निर्देशांक दिए गए हैं, इसकी सहायता से हमें ए बी बी सी और ए सी दूरी ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ए बी ए लिख लेते हैं, बिंदु का नाम एक कॉमा रूट तीन, ये हो गया ए, बी हो गया आपका एक कॉमा तीन रूट तीन और सी हो गया चार कॉमा दो रूट तीन। क्लियर, ये तो आपका बिंदु हो गया। अब आपको निकालना है ए बी दूरी, क्या निकालना है ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर जोड़ वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका दूरी सूत्र। ए बी दूरी निकालना है तो ए और बी से मतलब होगा, मतलब ये कि रूट अंडर वन माइनस वन का होल स्क्वायर जोड़ रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर। जरा सा देखेंगे, वन माइनस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जोड़ रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, यानी कि तीन रूट थ्री में से एक बार रूट थ्री घट जाएगा तो कितना होगा, दो बार रूट थ्री बचेगा, यानी कि दो बार रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। और जरा सा देखें, यहाँ पे दो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ये दो पर भी है और ये रूट थ्री पर भी स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे हुआ, ये स्क्वायर इस पे भी इस पर भी, समझ लीजिए अच्छा से। तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता तो ये तीन ही रहेगा, तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, चार तीन बारह, मतलब ये हुआ कि ये घटने के बाद हमारा कितना होगा, टू रूट थ्री हो गया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर बारह हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है, मैं इसको डायरेक्टली बारह लिख देता हूँ। फाइनली ये क्या हो जाएगा, रूट बारह, इसका वर्गमूल करेंगे तो दो, सॉरी हाँ, दो रूट थ्री यूनिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, मैंने यहाँ पे विस्तार से समझा दिया है कैसे हुआ। उसी तरह बी सी अगर आपको निकालना है तो रूट अंडर क्या करना है, एक घटाओ चार का होल स्क्वायर जोड़ तीन रूट तीन घटाओ दो रूट तीन का स्क्वायर करेंगे। देखिए एक में से चार घटेगा, तीन तीन का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा नौ, ठीक है, माइनस तीन का स्क्वायर करें प्लस नौ होगा, ठीक है। तीन रूट तीन घटाओ दो रूट तीन, यानी कि तीन बार रूट तीन है और यहाँ दो बार रूट तीन है, तो तीन में से दो घट जाएगा तो एक बचेगा, यानी एक बार रूट थ्री बचेगा, कहने का मतलब ये हुआ। और एक बार रूट थ्री बचेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि तीन बचेगा, तो इसका पूरा वैल्यू हमारा तीन हो जाएगा, रूट लगा देना है, रूट अंडर नौ तीन बारह हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल अगर हम करेंगे तो कितना होगा, दो रूट तीन यूनिट ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें निकालना है ए सी दूरी, तो देख लीजिए ए सी बराबर रूट अंडर वन माइनस फोर का होल स्क्वायर जोड़ रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ भी सिंपल है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का नौ, एक बार रूट थ्री दो बार रूट थ्री, तो इसमें से दो बार रूट थ्री में से एक बार रूट थ्री माइनस कर दीजिएगा तो एक बार रूट थ्री आपका बच जाएगा, ठीक है। और तो एक बार रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री ही हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू थ्री हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आपका बारह होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो दो रूट तीन यूनिट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा कि ए बी का भी वैल्यू टू रूट थ्री, बी सी का वैल्यू टू रूट थ्री और ए सी का भी वैल्यू टू रूट थ्री आया, मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी,
ये आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब तीनों दूरी आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कि जो दिया गया बिंदु है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप लिख सकते हैं अतः बिंदु बिंदु ए बी और सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर, ये समझ पाए होंगे। चलिए देखिए, इस तरह के अगर आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। अगर नहीं समझे या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।